मोगा विच पंजाब स्टूडेंट यूनियन वल्लों डीसी दफ्तर के बाहर जिथे केंद्र सरकार वल्लों पास कीतियां नवीं सिक्ख्या नीतियां खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया, उत्थे ही महंगी होने वाली पढ़ाई नूं सीधा कारपोरेट घराणियां दे हाथ विच देण नूं लै के गुस्सा भी जाहर किया गया। इस मौके स्टूडेंट यूनियन के अधिकारियों ने पत्रकारों नाल गलबात करते हुए कहा कि सरकार वल्लों पास की नवीं सिक्ख्या नीति वापस ली जाए, बिना क्लासरूम के पढ़ाई की कोई फीस ना ली जाए और एसी वर्ग के विद्यार्थियों तो फीस लैण का फैसला भी वापस लिया जाए। इस तो अलावा उन्होंने होर की मंगा रखिया, आओ सुनते हैं। असी पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन वालों सूबा पदरी सदे तहत अज का यह प्रोग्राम कर रहे हैं। साड़ी सब तो मुख मंग जी हैगी नवी सिक्ख्या नीति जी कि सरकार वालों 2019 तय की गई है, तो उहदा एजेंडा हैगा 2030 तक मतलब पूरी तरह पूरे देश दे विच लागू करना। सब तो मुख मंग साडी है इहनूं रद्द करवाउण दी जिहड़ी मंग नूं लैके पूरे पंजाब दे विच असीं 17 ते 18 तरीक नूं जिहड़े प्रोटेस्ट कीते ने। बाकी होर मंगा ने जिवें कि ऑनलाइन पढ़ाई वास्ते जिहड़े विद्यार्थियों नूं स्मार्टफोन मुहैया करवाए जा रहे हैं, परंतु समस्या यह है कि जिहड़ा ऑनलाइन ढांचा है वह बिल्कुल नहीं विकसित हैगा गा, ना तो मापियां नूं ऑनलाइन पढ़ाई के बारे कोई किसी भी तरह की जानकारी आ। बहुत सारे विद्यार्थी इदां ने कि जिन्हां नूं खुद भी ऑनलाइन जिहड़ा हैगा है पता नहीं चल रहा कि असीं किवें जिहड़े साडा काम आ रहा उहनूं किवें सॉल्व करके अगे वापस भेजना है, तो इहदे लई असीं मंग कर रहे हैं कि ऑनलाइन ढांचा जिहड़ा हैगा उह विकसित होना चाहीदा, ते वध तों वध जिहड़े सरकारी स्कूलां दे विच खास करके जिहड़े हैगे इंप्लाइज़ लैके आते जाने चाहिए उन्हां नूं ट्रेन किया जाना चाहिए ता जो इहदा पूरा पूरा जिहड़ा विद्यार्थी इस करोना के माहौल दे विच लाभ लै सकन। बाकी जिहड़ा हैगा कि पीटीए फंड लिया जा रहा है जिवें कि ढुड्डी के कॉलेज हो गया, रोडे कॉलेज हो गया, खास करके उत्थे दलित विद्यार्थी पढ़ते हैं गवर्नमेंट कॉलेजों के विच, तां उन्हां ते पीटीए फंड का बहुत वड्डा बोझ पाया जा रहा। साडी मंग है कि वह बोझ जिहड़ा हैगा इस तालाबंदी दे विच लोकां दी आर्थिकता नूं ध्यान दे विच रखदे हुए उहनूं खत्म किया जाए, पीटीए जिहड़ा हैगा विद्यार्थियों का माफ़ किया जाए, तो होर जिहड़ियां साडियां मंगां ने असीं इन्हां मंगां नूं लैके पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन वल्लों अज जिहड़ा इह प्रदर्शन किया। सर जिहड़ी पहली मंग है कि नवीं सिक्ख्या नीति जिहड़ी रद्द होनी चाहीदी है, उह इह कि सरकारां आउंदियां रहियां ने पर सिक्ख्या दे नाल एडा वड्डा जिहड़ा बदल ते खिलवाड़ उह किसे सरकार ने नहीं किया। जदों दी केंद्र सरकार दे विच मोदी सरकार आई है उदों तो लैके उन्होंने मतलब एक एजेंडा हैगा उहदे तहत चल रहे आ, उस एजेंडे नूं अगे वधाउंदिआं उन्होंने नवीं सिक्ख्या नीति नूं सीधे रूप दे विच कारपोरेटां दे हवाले किया हैगा और हुण सिक्ख्या आम लोगों की पहुँच तो बहुत दूर हो जानी। पहले जिहड़े प्राइवेट अदारे सी उन्होंने खुद मुख्तारी के नाते फीसां बटोर रहे सी, मापियां दी विद्यार्थियों की बहुत वड्डे पद्धर ते लुट हो रही सीगी, जिहड़ी मिडल क्लास आ पहला तो गरीब लोगों की लुट हुंदी सी, हुण जिहड़ा मध्य वर्ग आ उहनूं भी उन्होंने सिक्ख्या नीति जिहड़ी सिक्ख्या चों बाहर कर देना हैगा। असीं मंग करते हैं कि यह जी सिक्ख्या जी सीधे रूप से कारपोरेटा के हवाले की जा रही, दूजे पासे भगवा रंग दिता जा रहा सिलेबस के इतिहास चीज़ा पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, सिख हिस्टरी गुरु साहब न भगत सिंह होरां दी सराभे होरां दी जी मूवमेंट्स उन्होंने नाल खिलवाड़ करके उन्होंने सिलेबस तो बाहर का रस्ता दिखाया जा रहा, इतिहासक गल्लां पढ़ाने दी कोशिशां की जा रही। दूजी मंग है कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान जिहड़ा बहाने स्कूल कॉलेज फीस मंग रहे हैं, स्कूल कॉलेज तो खुल नहीं रहे, जिहड़ियां फैसिलिटीज है नहीं गियां साडे भारत वर्गे मुल्क दे विच ऑनलाइन पढ़ाई एक सुपने दे वांगू आ, इत्थे ना तो एंड्रॉयड फोन ने स्मार्टफोन ने सारे विद्यार्थियों कोले ते ना ही उन्हां कोले इदां हैगा कि जिहड़ा ढांचा हैगा इत्थे विसरिया होया कि टीचरां नूं ट्रेनिंग हैगी आ, उह जिहड़ा इक तां पहला ढांचा उसारिया जावे ते जिन्ना समां स्कूल कॉलेज नहीं खुलदे उन्ना समां फीस लैणी बंद की जाए, जदों स्कूल कॉलेज खुलणगे उदों उन्हां महीनों की फीस दित्ती लई जावे जिन्ना च पढ़ाई होगी। तीजी मंग विद्यार्थी जिहड़े अखीरले सालां दे प्रमोट किए जाण, चौथा एससी विद्यार्थी तों फीस भरवाउण दा फैसला रद्द किया जाए, पंजवां जनतक इकट्ठां ते रोक लाई होई है, जदों अकालियां ने कांग्रसियां ने जां किसे ने भी पार्टी ने आपदा इकट्ठ करना तां कोई दिक्कत नहीं है, तां ही करके जिहड़े कांग्रस दे जिहड़े MLA आप उह करोना पॉजिटिव आ रहे क्योंकि उह कोई ख्याल नहीं रख रहे, असीं डिस्टेंसिंग पा के धरना जिहड़ा उह ला रहे हैं, इन्हां धरने ते भी लोकां लाईआं जा रहीआं कि आपदीआं मंगां मसलिआं दे लई कोई बोले ना, उन्हां इकट्ठां ते कोई रोक नहीं हैगी जिहड़े पोलीटिकल पार्टियां इकट्ठ करदियां, साडा जिहड़ा विद्यार्थियों के नौजवानों के मजदूरों के किसानों के इकट्ठ हुंदे आ उन्हां परचे पाए जा रहे हैं, जिहड़ी जनतक इकट्ठां ते रोक लाई होई आ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਛੇਵੀਂ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ITIs ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।